नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान में। मैं पंडित अनुज तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे द्वारा नई नई जानकारी, नए नए उपाय आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आज का विषय है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आप लड़के हो या लड़की हो, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिष से कुछ उपाय हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो आप आजमा सकते हैं। यदि आपका पिछले वर्ष किसी कारणवश विवाह नहीं हुआ है, आपको लगता है कि विवाह होने के कई तरह की अड़चनें आ रही हैं, और यदि आप चाहते हैं कि अगले वर्ष 2023 में किसी भी हालत में विवाह करना है तो आप आजमा सकते हैं ज्योतिष के 10 अचूक उपाय। कुंडली में विवाह के योग की स्थिति। लड़के की कुंडली में विवाह के लिए जिम्मेदार ग्रह शुक्र और लड़की की कुंडली में जिम्मेदार ग्रह गुरु है। लड़के की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो विवाह में अड़चने आएंगी, और लड़की की कुंडली में अगर गुरु कमजोर है तो विवाह में अड़चने आएंगी। यदि आप जल्दी शादी करना चाहते हैं तो निम्न उपाय आजमा कर देख लें, आपको भविष्य में जरूर लाभ होगा। आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब उपाय है लड़की के लिए। तो पहला उपाय है कि खरगोश को प्रतिदिन खाना जरूर खिलाएं। गुरुवार का व्रत रखें। मंदिर में पीली वस्तुएं दान करें। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल और केले वृक्ष पर जल जरूर अर्पित करें। माथे पर प्रतिदिन केसर या चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी की माला पहनें। अधिकतर मौकों पर पीले वस्त्र ही पहनें। घर में पर्दों और चादरों का रंग गुलाबी रखें। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हैं। गुरुवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। जब लड़की के पिता या भाई किसी लड़की के रिश्ते की बात करने के लिए घर से बाहर जाएं, तो लड़की की तब तक अपने बाल खुले रखें जब तक कि वह लौट कर ना आ जाएं। यह उपाय करके जरूर देखिए, आपको भविष्य में जरूर लाभ होगा। अब उपाय है लड़कों के लिए। लड़कों को शुक्र के उपाय करना चाहिए। शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। लड़कों को यह करना चाहिए कि वे मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, वहां बैठकर उनकी पूजा करें, फिर उनके माथे से थोड़ा सिंदूर लेकर उस राम और सीता के मंदिर में राम और सीता के चरणों में चढ़ाकर उनसे अपने विवाह की कामना करें। कम से कम 21 मंगलवार तक यह उपाय जरूर करें, कार्य में सिद्ध होगी। लड़के या लड़की दोनों ही यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार को 1 किलो 200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर दूध किसी जरूरतमंद को दान कर दें। लड़के या लड़की दोनों ही यह उपाय कर सकते हैं। किसी लाल गाय को रोटी में गुड़ लपेटकर खिलाते रहें या केसर भात खिलाएं। यह भी कर सकते हैं कि किसी भी गाय को गुरुवार को आटे के 2 पेड़े और थोड़ी हल्दी लगाकर खिलाएं, तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल भी खिलाएं। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के हर सोमवार को व्रत रखें और आंकड़े के 8 पत्ते पूजा कर 7 पत्तों की थाली बनाएं और 8वें पत्ते पर अपना नाम लिखकर उसे शिवजी को अर्पित करें। आंकड़े का अर्थ यहाँ पर आंक के पौधे से है। पुरुषों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों की तस्वीरों और महिलाओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीर सफेद कागज पर रोजाना 3 महीने तक एक एक बनानी चाहिए। घर के दक्षिण भाग में नीम का पेड़ लगाएं और उसे प्रतिदिन जल चढ़ाएं। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करें और भात पूजा भी करवाएं। आंखों में सफेद सुरमा लगाएं। सफेद सुरमा नहीं मिले तो काला सुरमा जरूर लगाएं, इससे आपको अधिक लाभ होगा। वास्तु दोष के कुछ उपाय आपको बता रहे हैं, आप जरूर कीजिए।
विवाह करना चाहते हैं तो काले, गहरे नीले, कत्थई, बैंगनी, जामुनी रंग से बचें। लाल, पीले, गुलाबी, हरे और सफ़ेद रंग को जीवन में शामिल करें। घर के दक्षिण पश्चिम भाग में सोने से बचना चाहिए और कभी भी दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए। खिड़की और गुलाबी रंग के लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ऐसी ही नई नई जानकारी और नए नए उपाय रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।